डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ एक्सरसाइज 2.3 को समझेंगे। इसमें हमें करना क्या है, हमें डिवीज़न करनी है। अब आपको याद रखना है, पॉलिनोमियल के डिवीज़न के दो मेथड हैं हमारे पास। एक तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें देखने को भी मिलेगा, और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम इसमें यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। अब कैसे करना है, चलिए सीखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ऑल ऑफ दीज। तो अब हमें एक एक करके इसको सॉल्व करना है। तो करने का तरीका क्या है, पहले जिससे हमें डिवाइड करना है उसको आपने ज़ीरो के बराबर लिख लेना है, और यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो एक्स की वैल्यू बनेगी -1। अब हमें इस वैल्यू को, एक्स की वैल्यू को इसमें जो है वो पुट कर देना है एक्स की जगह पर, और जो हमारे पास लास्ट में बचेगा वो होगा रिमाइंडर। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, आंसर ज़ीरो बचता है, तो इसका मतलब ये जो x+1 नंबर है ये इस पॉलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है, तो चलिए समझते हैं। तो पॉलिनोमियल हमने लिखा, फिर आपको x+1 को ज़ीरो के बराबर रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने रखा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई -1। तो इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे p ऑफ x में। तो सबसे पहले इसमें जो है एक्स क्यूब है, तो हमने लिखा -1 क्यूब। फिर है 3 × x², तो 3 × -1² प्लस 3x, तो 3 × -1 + 1। अब आप लोग देखें, माइनस वाले की वन की पावर तो कितनी भी करें वन ही रहेगा, लेकिन माइनस की पावर अगर ओड होती है तो माइनस में ही आंसर आता है। अगर यहाँ पावर इवन हो तो माइनस ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर जो है 3 × -1² अब -1² है, स्क्वायर जो है 2 पावर है जो कि इवन है, तो माइनस यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 3 बन जाए 3। यहाँ पे जो है 3 की मल्टीप्लाई 1 से की 3, लेकिन माइनस प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, और साथ में +1। अब हम देखते हैं -1 और +1 ये आपस में कैंसिल आउट, 1 में 1 गया 0, 3 प्लस का और 3 माइनस का, 3 − 3 0, तो आंसर बच रहा है 0। तो रिमाइंडर जो है हमारा वो है 0। नेक्स्ट हम देखते हैं, व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय x − 1/2, तो -1/2 है तो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x = 1/2 हमें मिलेगा। तो x की वैल्यू जो है वो 1/2 आपको इस स्टेटमेंट में पुट करनी है। तो 1/2 क्यूब प्लस 3 × 1/2² प्लस 3 × 1/2 + 1। नेक्स्ट आप देखें, 1 का जो क्यूब है वो 1 ही होता है, पावर कितनी भी करें, लेकिन 2 की पावर 3 मतलब 2 × 2 × 2, तो 2 × 4 × 8, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा 1/8। नेक्स्ट आप देखें, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 × 3 = 3 होता है, और 2 का स्क्वायर जो है 4, तो नीचे आ गया 4। नेक्स्ट जो है, जो बाहर है वो ऊपर है, और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ ही आपको करनी है, तो 3 × 3/2 + 1। अब इनका हमने लिया एलसीएम 8, इसके नीचे लगा देना है आपने 1। अब एलसीएम आपने खुद सॉल्व करना है, तो आपके आंसर जो बनेंगे 1 + 6 + 12 + 8, और इन सब को मैंने कर दिया प्लस, तो आपका आंसर बन गया 27/8। अब ये जो है मिक्स फ्रैक्शन में भी आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, व्हेन पी ऑफ एक्स इज़ डिवाइडेड बाय एक्स ओनली देन रिमाइंडर इज पी ऑफ 0। तो एक्स को अगर आप 0 के इक्वल रखेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो आपको जो है 0 पुट कर देना है, 0 एक्स की जगह पर पुट करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 1, तो रिमाइंडर इस केस में बचेगा 1। नेक्स्ट अगर आप देखें, तो हमें x + π सब्स्टिट्यूट करना है, सॉरी x + π से डिवाइड करना है, तो x + π = 0, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -π। तो आपने -π जो है यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है, तो हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है वो ये सारा बचेगा,
माइनस पाई क्यूब प्लस थ्री पाई स्क्वायर माइनस थ्री पाई प्लस वन। नेक्स्ट सम देखते हैं, व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय फाइव प्लस टू एक्स। तो आपने इसकी वैल्यू निकालनी है, तो वैल्यू मैंने यहाँ निकाली हुई है, आपको बता देते हैं कैसे आई है। इज इक्वल टू ज़ीरो करना है आपने, प्लस का फाइव उधर जाएगा तो माइनस, तो टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव एंड टू इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, तो फाइव बाय टू माइनस का। तो इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो माइनस का क्यूब माइनस फाइव का क्यूब 125, टू का क्यूब एट, थ्री इंटू फाइव स्क्वायर 25, 25 की थ्री से मल्टीप्लाई की तो 75, फिर थ्री की फाइव से 15 माइनस का और प्लस वन। फिर आपने एलसीएम ले लेना है, एलसीएम लेने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा। अब आपको क्या करना है, प्लस वालों को अलग से प्लस कर लेना है, 158 हो जाएगा, और इनको अलग से फिर जो है दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका आंसर जो है ये बनेगा माइनस 35 प्लस 8, तो ये बन गया माइनस 27 बाई 8। सेकेंड सम देखते हैं, सेकेंड सम में हमें बोला गया है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए स्क्वायर। तो आपको सेम वही लॉजिक इस्तेमाल करना है, यहाँ स्टेटमेंट मिस्टेक है, एक्स माइनस ए से हमें डिवाइड करना है। मैथ में अगर हम देखें तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो ये बनेगा एक्स माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए, तो मतलब हमें ए पुट करना है। तो अगर हम इन सब की जगह पे ए रखते हैं तो ए क्यूब माइनस ए क्यूब कैसे आया यहाँ पे, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए, तो ए इंटू ए स्क्वायर, ए की पावर वन है तो वन प्लस टू थ्री ए क्यूब, फिर सिक्स ए माइनस ए, अब ये ए क्यूब प्लस का ये माइनस का ये कैंसिल हो गए, सिक्स ए में से वन ए को माइनस करेंगे तो फाइव ए हमें मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, चेक वेदर सेवन प्लस थ्री एक्स इज ए फैक्टर ऑफ थ्री एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स। तो आपको क्या करना है, फैक्टर तभी होगा अगर ये पूरा पूरा इसको डिवाइड कर देता है और रिमाइंडर ज़ीरो बचता है, तभी ये इसका फैक्टर है, वरना नहीं है। तो हमने इसको ज़ीरो के बराबर रखा, तो प्लस का सेवन इधर लेके गए माइनस का, तो थ्री एक्स प्लस इज इक्वल टू माइनस सेवन, तो थ्री जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास बन रही है माइनस सेवन बाय थ्री। अब इसको सब्स्टिट्यूट किया तो आपका आंसर जो मिला है वो है माइनस 490 बाय 9। ये आप देख सकते हैं किस प्रकार सॉल्व किया गया है, माइनस 7 बाय 3 का क्यूब है तो क्यूब को हमने सॉल्व किया है, नेक्स्ट जो है 7 की 7 से मल्टीप्लाई की है 3, फिर आपने एलसीएम ले लेना है 9 और सॉल्व करके आ गया माइनस 490 बाय 9। अब ये जो है वो ज़ीरो नहीं है, तो ज़ीरो नहीं है इसका मतलब कि ये जो गिवन स्टेटमेंट है 3x प्लस 7 वो जो है इस पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.3। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं।